एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में मनमय सिंह। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ मैथमेटिक्स की, ठीक है। मोस्टली मैं फ्यूचर में और भी सब्जेक्ट्स के लिए ट्राई करूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आ जाए, बट अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे मैथमेटिक्स में। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स का अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तुरंत। अभी मैं 11th 12th का सारा चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैंने 11th के लिए अभी मैं सबसे पहले सेट से स्टार्ट करूँगा, फिर फंक्शंस रिलेशंस वगैरह जो भी सारे टॉपिक्स हैं उन सारे को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। बेसिकली इससे मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक भी आएगा जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को भी मैं कोशिश करूँगा कि सारा कुछ उसको एक साथ लेके कर लूँ, ताकि उस तरीके से क्या हो ना कि सारा कुछ कवर अप होते चला जाए। सो इन दैट केस कि अगर मेरा कुछ छूटा हुआ है तो कुछ वो भी मेरा पकड़ा जाएगा, ताकि मेरा मिस ना हो। क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स के बारे में सोचा है। ये मेरा चैनल जो है आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आपने चैनल के टाइटल से भी पढ़ा होगा, दिस इज़ फर्स्ट डे एंड फर्स्ट शो, यानी कि आज मेरा फर्स्ट डे है। आज से मैं स्टार्ट करूँगा, मैं रेगुलर वीडियोज़ अब डालने वाला हूँ यहाँ पे। मैं बेसिकली आपको वो सारी चीज़ें के बारे में, मैथ्स के बारे में बताऊंगा थोड़े से, ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, कभी मान लो कि आप स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, आप कभी कभी भूल जाते हो कि अरे सर ये क्या बताया, ये मुझे समझ में नहीं आया, काश एक बार और बता देते तो मतलब बढ़िया हो जाता। तो उन सारे चीज़ों के लिए आपको कभी भी स्कूल में वो सब सारी चीज़ दिक्कत ना हो, स्कूल में आपको कभी भी अगर आपको टॉपिक अगर आपका छूट गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कंप्लेंट ये रिप्लाई कर देना, मैं आपको कंप्लीट क्लियर बता दूंगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस डाल दूंगा, सो डैट वो वाला टॉपिक भी आपका कवर अप हो जाए। सो इन डैट केस मैं यहाँ पर बेसिकली बात करने वाला हूँ उन सारी वीडियोस के बारे में जो बेसिकली मैथ्स में टॉपिक्स में दिक्कत देती हैं। खैर, अभी तो मैं जो स्टार्ट करूँगा वो बेसिक मेरा होगा 11th और 12th का। 11th और 12th का मैं बेसिक स्टार्ट करूँगा कंप्लीट सीरीज़, जिसमें 11th के मैं सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे और 12th का भी सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करूँगा मैथमेटिक्स में, फिर बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11th 12th का, ये मेरा तीन फेज़ में होगा। फर्स्ट फेज़ में मेरा जाएगा बेसिक CBSE और ICSE जो भी बोर्ड से आपका। सेकंड फेज़ जो होगा वो आपका मेंस के प्रिपरेशन के लिए होगा, और जो लास्ट एंड फाइनल जो प्रिपरेशन होगा वो मेरा होगा JEE एडवांस का। उसमें मैं सारे क्वेश्चंस फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सबसे पहले मेरे हर एक वीडियोज़ में जो टॉपिक्स होंगी वो टॉपिक्स होंगी आपकी थ्योरीज़ और थ्योरीज से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैं एक मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो होगा जिसमें आपको मैं थ्योरीज वाइज एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा, और जो मेरा सेकंड वीडियोस होगा उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा उससे रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उससे रिलेटेड सारी बातें। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी बची बातें हम लोग अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में करते रहेंगे, और इसी तरीके से मैं आपको और गाइड करता रहूँगा मैथमेटिक्स में किस तरीके से आगे करेंगे। तो यहाँ पे आज की वीडियोस में एंड कर रहा हूँ, और आप अपने जो भी जूनियर्स हैं या फिर कुछ सीनियर्स लोग हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं तो फिर आप अपने लोगों को मेरी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, एंड मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे लाइक करें, गिव अ थम्स अप एंड डू शेयर इट, सो दैट ताकि सारे लोगों तक मेरी इस वीडियो पहुंच सके। सो आज के लिए इतना ही, बाकी बची बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।